नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। बड़ा ही अजीब लगता है किसी भी बुलेटिन को इस लाइन से शुरू करना, और लाइन क्या है जरा ध्यान से सुनिए। भागो सांड आया। सुन के आप हैरान हो गए होंगे, एक स्कूल में ऐसा आए दिन सुनाई देता है। बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और स्कूल बन जाता है सांड का अखाड़ा। हम बात कर रहे हैं गुलाबी सिटी जयपुर के एक सरकारी स्कूल की, जो पिछले 6 साल से सड़क के किनारे चलता है। ध्यान से देखें आज तक की रिपोर्ट। पहली तस्वीर, स्कूल में सांड की लड़ाई। दूसरी तस्वीर, फुटपाथ पर पाठशाला। तीसरी तस्वीर, सड़क किनारे शिक्षा। चौथी तस्वीर, जानवरों के साथ मिड डे मील। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ना ही गांव है ना ही देहात, बल्कि ये है हिंदुस्तान का गुलाबी शहर का पॉश इलाका। यहां सूबे की सरकार बसती है, देश की राजधानी भी सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां 100 दिन पुरानी सरकार है, जो बड़े बड़े सपने संजो कर आई है। नई सरकार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 9 दिन पहले शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों से खुद रूबरू होकर ढेर सारे वादे कर चुके हैं। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि 5 सितंबर को उन्होंने बच्चों से पूछा था कि दिन में 4-4 बार पसीना आता है या नहीं। काश ये सवाल इन बच्चों से पूछा होता, जो हर वक्त पसीने से तरबतर ही रहते हैं। स्कूल है लेकिन न छत है और न ही 4 दीवारी। इन बच्चों के लिए क्लासरूम का छत आसमान है और बेंच और डेस्क जमीन। सड़क का किनारा स्कूल की सरहद है और पेड़ों की ओट टॉयलेट। छुट्टी करने के लिए आवारा जानवरों की घुसपैठ ही काफी है। जब मर्जी बच्चों की क्लास में जानवर घुसाते हैं और अपना अखाड़ा बना लेते हैं। 2 सांड तो बेफिक्र होकर जोर आजमाइश में ही लग गए, फिर क्या, बच्चों की क्लास खत्म। जान बचाने के लिए बच्चे भागने लगे, टीचर बच्चों को बचाने की चिंता में जुट गए। दिक्कत तो यार कि रोड पे बैठे हैं तो कम से कम आने जाने वाले बच्चे डिस्टर्ब तो होते ही, और एक्सीडेंट का भी खतरा तो रहता ही। बच्चों को मेन प्रॉब्लम गाय आ रही है, आने जाने वाले जा रहे हैं, तो ध्यान डाइवर्ट होता है बच्चों, तो हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कहीं रोड पे नहीं आ जाए। और बारिश वगैरह होती, बारिश वगैरह हो तो सामने 2 घर हैं जहाँ बैठा देते, ले जाके बारिश रुकती है वापस लाके फिर ये बैठा देते। रोड पर बैठे हैं बच्चे तो खतरा तो होगा ही, जानवर आते जाते हैं, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, डर तो लगता ही है। बारिश में बच्चे छुप जाते हैं। 2 अक्टूबर से प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या इस तरह स्वच्छ भारत की कल्पना की जा सकती है? मंदिर से प्लेट लेकर सड़क के किनारे खाने के लिए बच्चे बैठ जाते हैं। आए दिन खाने पर बच्चों की जानवरों से मुठभेड़ हो जाती है, फिर वो मिड डे मील से बच्चों के बजाय जानवरों का पेट भरता है। ये क्या क्या दिक्कत आती है? ये गाड़ी घोड़ी चलते हैं, ये अलग जानवर आते हैं, ये कोई दिन हम खाना खाते हैं जो हमारा खाना खा जाती है। कहाँ खाते हो खाना? उधर खाते हैं। और बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हो? इधर खुले में। हाँ, आए दिन बच्चों पर मौसम की मार भी पड़ती है। वो तो भला हो आसमान के 2 घर वालों का, जिनके दरवाजे हर मुश्किल के वक्त बच्चों के लिए खुल जाते हैं, चाहे बारिश हो या कड़ी धूप। वसुंधरा राजे लगातार दौरा कर रही हैं राज्य का और अलग अलग जिलों में स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन जयपुर शहर में इस तरह से स्कूल चल रहा है, अपने आप में जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने पढ़ने में तेज हैं, टीचर किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी चीज़ें होती हैं स्कूल के नाम पर कुछ भी नहीं है, और बच्चे जान जोखिम में डालकर इस तरह से सड़क पर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर। वोट मांगने से पहले एक बार इस तस्वीर को याद जरूर कर लें, जितने भी नेता हैं वहां के। आज तक की खबर का असर हुआ है। वसुंधरा सरकार ने स्कूल के लिए किराए पर भवन लेने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक अदद 4 दीवारी के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा।
जयपुर के पौश इलाके के इस स्कूल के बच्चों को अब खुले आसमान के नीचे नहीं पढ़ना होगा। अब इन्हें जानवरों से दोस्ती भी नहीं निभानी होगी। अब इन्हें टॉयलेट जाने के लिए किसी पेड़ की ओट का मोहताज नहीं होना होगा। अब इन्हें गाड़ियों से बचने की जरूरत नहीं होगी। अब टीचर के लिए मंदिर से कुर्सियां भी मंगवाई जाएगी और न ही सड़क किनारे रोज ब्लैक बोर्ड लगाने की झंझट होगी। आज तक पर खबर दिखाने के बाद राजस्थान सरकार फौरन हरकत में आई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्य सचिव को कहा है कि बच्चों के स्कूल के लिए जल्द किराए पर भवन उपलब्ध कराए जाएं। राजस्थान भर में 85,000 स्कूलें चलती है, तो हर स्कूल की शिक्षा मंत्री को जानकारी हो ये आवश्यक नहीं है, असंभव भी नहीं है। यदि इस प्रकार की स्कूल है, इसकी जानकारी लेकर के उसको भवन बने और भवन में चले, इसको सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष को बैठे बिठाए वसुंधरा सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। मुझे लगता है कि ना सिर्फ संवेदनशीलता की कमी है, लेकिन सरकार को जो जिस गंभीरता से बच्चों की पढ़ाई, उनकी सुरक्षा के बारे में कार्य करना चाहिए, उसका भी अभाव है। और सरकार अपने बहुमत के घमंड में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इसके सुधार करने का काम राज्य सरकार करेगी। शर्मनाक बात यह है कि 6 साल से स्कूल यूं ही फुटपाथ पर चलता रहा। पुरानी सरकार भी इससे बेपरवाह रही और वसुंधरा राजे सरकार भी, जो विकास के नाम पर राजस्थान की बागडोर संभाली है। और तो और, चुनाव अभियान में वसुंधरा ने खुद स्कूलों का हाल बयां किया था। इसी तरीके से आपके स्कूल के ऊपर ताले लग रहे हैं, कोई टीचर्स नहीं है। जयपुर का ये सरकारी स्कूल 2008 में खुला, बिल्डिंग तैयार हो रही थी, लेकिन तभी अदालत से स्टे आ गया। शरद कुमार, जयपुर।